That all I mean, I see. Retan Mahara. आपको गिवन है कि जो आगे वाली ट्रेन है अब आप सुनाइए वो स्लो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड पे और पिछली वाली ट्रेन फास्ट है 30 मीटर पर सेकंड ड्राइवर उसको देख के ब्रेक अप्लाई करता अब इनिशियली अगर ये स्टेज गिवन है तो इस ट्रेन के लिए इसकी स्पीड कितनी होगी ओके सर इस वाले ट्रेन के लिए हाँ जी मान लो ये ट्रेन ट्रेन ए है 30 तो ये ट्रेन ए है yes, ये ट्रेन बी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है कितनी है यस सर माइनस करके आएगा उन्होंने कहा कि जब ब्रेक लगाता है तो उसको रिटार्डेशन स्क्वायर हो गया ठीक है अब हम ये जानना चाहते हैं कम से कम कितना डिस्टेंस होगा ताकि कोलिजन बच जाए कोलिजन ना हो सके तो इक्वेशंस वही वाली रहेगी मोशन की ही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा लेते हैं फाइनली हम चाहते हैं जीरो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल है 20 2 into 2 into x क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस लगा दो एक्स विल बी 400 by 400 meters अक्षय उधर से वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो इधर इको आ उतना वॉल्यूम रखो बेटा जितना आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है बस है ना ज्यादा करोगे फिर इको आता है स्क्रीन आप कर लिया सबने हाँ जी अब पहले 5 में कोई डाउट नहीं है 6 to 10 में कोई डाउट क्या कहते हैं सर अभी कर रहा हूँ असाइनमेंट मिल गई है असाइनमेंट सर नहीं मिली अभी अभी मिलती है सर ये क्या लिखा हुआ जीरो जीरो माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into -2 into x 2 into -2 into x सर निकालना क्या इसमें डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों ट्रेन्स में ताकि उनमें टक्कर ना हो ओके सर
ओके अब जो क्वेश्चन नंबर सेवन है हमने एक बॉल को एच हाइट से ड्रॉप किया वो ग्राउंड को टकराती है और फिर बाउंस करती है एच बाई टू तक आ जाती है ये सिचुएशन है अब आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी का ग्राफ हाइट के साथ कैसा आएगा तो इवेंट है आपने टी इक्वल टू जीरो पे एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट से छोड़ा नीचे गिरेगा ग्राउंड को हिट करेगा जब वापस उठ रहा है तो एच बाई टू तक राइज कर रहा है इस इवेंट का आपको वेलोसिटी एच के साथ ग्राफ बनाना है कि हाइट के साथ वेलोसिटी कैसे गिरी ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना इनमें दो चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है पहला ये कि उसमें अगर कोई वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो क्या उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है अब यहां पर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है जब फर्स्ट केस है वो नीचे गिर रही है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है टकराने के बाद वेलोसिटी ऊपर हो जाती है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मीन्स कि दो क्वाड्रेंट्स में ग्राफ बनेगा एक ग्राफ एक क्वाड्रेंट होगा जिसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है दूसरा होगा जिसमें नेगेटिव है तो वो सारे ग्राफ जिसमें एक सिंगल क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है वो एलिमिनेट हो गया दैट मींस सेकंड ऑप्शन खत्म हो गया फोर्थ ऑप्शन खत्म हो गया ठीक है जी क्लियर हो गया दूसरी चीज आपको ये देखना होता है कि जो वेरिएशन है वो किस फॉर्मूले को किस इक्वेशन को फॉलो करें यहां पर वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन सी इक्वेशन है कौन सी बन सकती है तीन इक्वेशन है मोशन की उन तीनों में से देखो कौन सी ऐसी है जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करती है फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आता सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी आती है वेलोसिटी नहीं आती उसको भी छोड़ दो थर्ड बच गई हम इनिशियली जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस जीरो इज टू ए एच ये आ गया ये हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच सेकेंड डिग्री सेकेंड डिग्री रिलेशन का मतलब होता है कि जो ग्राफ होगा वो कर्व में आएगा स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता तुमने टेंथ में लीनियर इक्वेशंस की हुई है उनमें सिंगल डिग्री होती है सिंगल पावर होती है यहाँ पे क्योंकि पावर टू आ रही है सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो ग्राफ होगा वो कर्व में आएगा दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ एलिमिनेट हो गया एक ही ऑप्शन बच गई आपका आंसर है और उसको आप समझ भी सकते हो अगर ग्राफ प्लॉट करना था वेलोसिटी वन सी एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे है ये हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं पहले ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी अपवर्ड्स है ठीक है अब कोई एक नेगेटिव लिया जाएगा कोई दूसरा पॉजिटिव लिया जाएगा ये मैं पता है कि सेकंड केस में वेलोसिटी कम है क्योंकि हाइट आधी अचीव कर रहा है ठीक है अब उन्होंने जो ग्राफ दिया है उसमें एक ग्राफ ये आ रहा है बड़ी वेलोसिटी वाला तो इसमें इनिशियली हाइट एच पे है और जैसे हमने छोड़ा वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो कर्व में ग्राफ आ गया और जब हाइट जीरो हुई तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच गई जैसे ही टकराने के बाद उठेगा अब वेलोसिटी नेगेटिव है और आधी है तो इससे आधी वेलोसिटी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां से शुरू होगा ठीक है और जो हाइट अचीव करेगा वो भी कम होने वाली है तो ग्राफ ऐसा होगा क्लियर क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव तो ऐसे है ना हमने जब छोड़ा डाउनवर्ड मोशन है
तो डाउनवर्ड वेलोसिटी को उन्होंने नेगेटिव लिया होगा, नेगेटिव तो फिर इसी क्वाड्रेंट में ही आएगी, वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेस ही आएगी ना उसको। ठीक है, हाँ जी, अप टू 10 कोई और डाउट? नाइन्थ क्वेश्चन देखो जी। ये तो आसान होना चाहिए था यार। शिप ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स। ए से बी तक जाना है, डिस्टेंस को एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है, जो बोट की वेलोसिटी है वी बी सपोज कर लेते हैं उसे, और जो पानी की स्पीड है उसे डब्ल्यू सपोज कर लेते हैं। जब डाउनस्ट्रीम जाएगा तो बोट को वाटर हेल्प कर रहा है, इफेक्टिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे तो vb प्लस w इनटू टाइम आ गया, राइट। जब ऊपर आना है तो वाटर बोट की वेलोसिटी को अपोज कर रहा होगा, डिस्टेंस तो उतना ही है, vb माइनस w इनटू 3 हो जाएगा, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं, VB और W का रिलेशन निकाला जा सकता है, देखो क्या आता है, करो सॉल्व। हाँ जी, आया सर, ऐसे करो ना, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को आपस में, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3vb माइनस 3w 2vb प्लस 2w, ठीक है, vb इक्वल टू 5w आ गया। हाँ जी गीतांश, यस सर, आ गया समझ? सर नहीं है सर, ये W का मतलब क्या है सर? W है स्पीड ऑफ वाटर, वाटर से W भी है। ओके सर, जब बोट डाउनस्ट्रीम जा, तब अगर बोट अपने आप ना चले सिर्फ रखी हुई है तो पानी उसको बहा के लेके आएगा, यस सर, लेकिन जब बोट चल रही है तो बोट की स्पीड और पानी की स्पीड ऐड हो जाती है, इसलिए इफेक्टिव स्पीड हमने ऐड कर दी। जब उसको अपस्ट्रीम आना है ओके सर, हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लैरिटी है?
सर नीचे वाली डाउनस्ट्रीम में ये x is equal to v v minus w डाउनस्ट्रीम ना ना अपस्ट्रीम है ना डाउनस्ट्रीम तो ये नीचे को जा रहा है जब पानी इसको हेल्प कर रहा है तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस जब अपस्ट्रीम आएगा तो माइनस होंगे अपस्ट्रीम यानी नदी के बहाव से उल्टा आना ना ऊपर को आना हां जी ठीक है यहां तक सबको क्लियर है अगर यहां तक क्लियर हो गया तो इससे आप ये भी लिख सकते हो कि वाटर की वेलोसिटी जो है वो vv / 5 है कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में रिलेशन लगा रहा हूं x equal to vv की वैल्यू 5w है सो 5w plus w into 2 तो 6 into 12 तो w आ गया x by 12 speed of water आ गई distance by 12 यहां तक clear है अब उन्होंने पूछा है कि log log यानी लकड़ी का टुकड़ा अगर छोड़ेंगे तो ये कितनी कितने टाइम में पार करेगी अगर लकड़ी का टुकड़ा डालोगे तो वाटर की स्पीड पे चलेगा वो ठीक है डिस्टेंस वही वाला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ वाटर इनटू टाइम तो x इक्वल टू x by 12 इनटू टाइम टाइम आ गया 12 आवर्स पानी है पानी ठंडा कर देना चले आगे बेटा एट्थ एट्थ क्वेश्चन भी देखो भाई ऐसा क्वेश्चन तो कराया था यार मैंने ना अच्छा निराश कर लिया नोट्स में यस सर नोट हो गया यस सर आ गया आंसर 12 मार्क्स बोल भाई यस सर यस सर आठवां क्वेश्चन है बैलून ऊपर जा रहा है स्पीड 20 मीटर्स पर सेकंड है जब 160 मीटर्स की हाइट पे है तब हम इसमें से एक स्टोन को रिलीज करते हैं तो उसको धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बता ठीक है s equal to ut plus half at square displacement है 160 इस direction में अंदर नहीं है displacement नीचे initial velocity ऊपर है
तो अगर इसे पॉजिटिव लिखा है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 20 टी प्लस हाफ ग्रेविटी टी स्क्वायर, तो 5 टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 160 इक्वल टू जीरो, या टी स्क्वायर माइनस 4 टी माइनस 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 32 इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे वॉल ऊपर जाके नीचे आए ऐसे आ, एस क्या होता है? हाँ बस बात ही खत्म। हाँ जी अप टू 10 कोई डाउट है? अब और 10th engine of train moving with uniform acceleration passes 4 with speed u and last compartment is speed v passes the 4 with speed v. इसमें क्या है? ये बांश? Yes sir. 10th question लेकर पढ़ते हैं। पढ़ लिया? नो सर अभी रेलवे ट्रैक के किनारे एक खंभा लगा हुआ, ट्रेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, जब खंबे को पार करना स्टार्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी यू है, बाय द टाइम पूरा उसको क्रॉस कर लेती है तो उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, ठीक है। लेंथ कितने के बराबर है? जी नहीं कोई बात नहीं, तो हम लेंथ को एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस को सबसे आसान हो जाते हैं अगर तुम सिर्फ इंजन पे ध्यान देना शुरू करते हो। स्टार्टिंग में इंजन इस पोजीशन पे है, फाइनली पोजीशन इस इंजन इस पोजीशन पे है, तो दोनों पोजीशंस में इंजन से लेके इंजन का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है। दैट मीन्स कि एक्स डिस्टेंस कवर करने में उसकी वेलोसिटी यू से चेंज होकर वी बन जाती है, राइट। अगर हम थर्ड अब फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है तो तीनों इक्वेशंस में से देखो, सेकंड इक्वेशन में तो फाइनल वेलोसिटी आती ही नहीं, या तो फर्स्ट लग सकती है थर्ड लग सकती है। फर्स्ट वाली में टाइम आता है जो ना हमें गिवन है ना रिक्वायर्ड है, तो उसको भी छोड़ देते हैं। एक्स रिक्वायर्ड है वो थर्ड इक्वेशन में आता है, तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2ax, ठीक है। यहां से अगर a निकालना हो अरे यार नोट बाद में कर लेना, समझ लो पहले कितना आ गया। अब पूछा गया था उन्होंने मिडल पॉइंट किस स्पीड से जा रहा है, अब मिडल पॉइंट जब आएगा तो ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, इंजन ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो होगा x by 2, ठीक है। यहां इस मोमेंट में जो वेलोसिटी है उसे मैं v1 सपोज कर लेता हूं, तो अगर यहां से लेके यहां तक की जर्नी देखो v1 square minus u square equal to 2a x by 2, ठीक है। अब मैंने यहां पर
ए की वैल्यू निकाली हुई है वहां पुट कर सकते हैं, given square minus u square equal to 2a into, oh sorry, 2 into v square minus u square over 2x into x by 2. So x se x kaat do, 2 se 2 kaat do. Isko solve kar lo, v1 square nikal aayega kitna. Lekin ek cheez suno bhai, रुक जाओ, यहां पर क्या करोगे कि u स्क्वायर उधर लेके जाओगे, सब पर ऐड करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। यहां पे आप ये भी कर सकते थे कि ये एक्सप्रेशन जो आया था उससे आप ये x की वैल्यू निकाल दो, ये x की वैल्यू आ गई, उसे भी वहां डाल सकते थे। बात एक ही है, ax की वैल्यू डालो या a की वैल्यू डालो, दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते। अब कर लो नोट, मैम हाँ जी आ गया आंसर कि नहीं? नहीं आ रहा। v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 ये आ रहा, ये माइनस यू स्क्वायर उधर ले रहा हूं, v1 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2 आ गया। तो स्क्वायरिंग अंडर रूट ले लो तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2 आंसर आ जाएगा होगा अंडर रूट। हो गया, पहले 15 में को डाउट। ट्वेल्थ गीताश, ट्वेल्थ क्वेश्चन पढ़ लो भाई फटाफट। A car accelerates from rest at a constant rate 2 meter per second square for some time and then retards at constant rate 4 meter per second square to come to rest. If total time for which it remains in motion in is 3 seconds, what is total distance traveled? हाँ जी, देखो सॉल्व करके। सर सर वो क्या कहते हैं, दो एक्सेलरेशन दी हुई है, एक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है, सर माइनस करेंगे क्या?
देख दोनों एक्सेलरेशन है कि क्या है? नहीं सर, एक एक्सेलरेशन एक रिटार्डेशन है। हाँ तो फिर ऑब्जेक्ट कितने, एक है कि दो है? सर ऑब्जेक्ट सर एक ही है। एक ही है, तो क्वेश्चन समझ आया कि एक कार है, उसको हमने पहले एक्सेलरेट किया यानी उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, फिर ब्रेक मारी, स्पीड कम हो रही है, अब टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो तुझे बताना है कितना आता है। सर पर एक्सेलरेशन लेंगे क्या सर, ये नहीं समझ आ रहा। ये तो सोचना है भाई, सोचो थोड़ा, बुद्धि लगाओ। हाँ जी, हुआ नहीं? हो गया, वेरी गुड। बता कैसे? समझाया नहीं जा रहा। ओके, मैं इसको सिंपल करके समझाता हूँ, ठीक है? तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है, जो रेस्ट से शुरू हुआ और एक्सेलरेट हो रहा है। अब अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो कोई फाइनल वेलोसिटी भी अचीव करेगा, ठीक है? तो जो टोटल जर्नी है जीरो से शुरू होती है, एक फाइनल वेलोसिटी पे जाती है, पर फिर ब्रेक मारते हैं, फिर जीरो पे आ जाती है, ठीक है? अब यहां का टाइम टी वन मान लेते हैं, इसका टाइम टी टू मान लेते हैं। यहां पे एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ रिटार्डेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? अगर दोनों पार्ट्स को आप देखो, फर्स्ट पोर्शन के लिए अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, यू प्लस एट, तो टी हो जाएगा वी माइनस यू, इसे मैं टी वन कर देता हूं, और यहां पर टी टू हो जाएगा यू माइनस वी अपॉन माइनस ए, क्योंकि रिटार्डेशन, यहां एक्सेलरेशन ए वन सपोज कर लेते हैं या ए टू सपोज कर लेते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूं टी टू इक्वल टू वी माइनस यू ओवर ए टू। देखो जरा, ये समझ आया सबको? गीतांश? यस सर। समझ आया? यस सर, आ गया। अक्षय? अब ये चीज ना मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम करें तो मैंने इतना डिटेल में करके बताया,
आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि ऐसे सारे क्वेश्चंस जहां इनिशियल वेलोसिटी से चला फाइनल पे पहुंचा, फिर फाइनल से ब्रेक मारी इनिशियल पे पहुंचा, इनमें ये जो वेलोसिटी की रेंज है न्यूमरेटर है दोनों में सेम है, फर्क सिर्फ एक्सेलरेशन का है। ठीक है, तो अगर हम इतने को कंपेयर करना शुरू करें, मैं इसको एक और ढंग से लिखता हूं, ये ऐसे टी माइनस यू इक्वल टू एटी का। ठीक है, यहां लगाते हैं तो इक्वल टू यू प्लस एटी टू, तो ए ए वन ए टू टी का इक्वल टू वी माइनस यू, ऐसे आएगा। इसमें मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, अगर उसको भी ऐड कर दूं तो अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल जो यहाँ इनिशियल थी वो फाइनल है, जो वहां फाइनल थी वो इनिशियल है, तो अगर उस सेंस में लिखूंगा u इक्वल टू v प्लस a2 t2, लेकिन क्योंकि रिटार्डेशन में इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे लाए u माइनस v इक्वल टू माइनस a2 t2, या v माइनस u इक्वल टू a2 t2। v माइनस यू की दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दें तो ए वन टी वन इक्वल टू ए टू टी टू, और हमारे काम का रिजल्ट ए वन ओवर ए टू इक्वल टू टी टू ओवर टी वन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ऐसे केसेस में, एक्सेलरेशन और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर इतना पता लग गया, अब हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी है, टू बाय फोर इक्वल टू टी टू बाय टी वन, तो यहां से आ जाएगा टी वन इक्वल टू टू टी टू। ठीक है, अब आपको टोटल टाइम दिया हुआ है T1 प्लस T2 तीन सेकेंड के बराबर, T1 के अगर ये वैल्यू डाल दें 2T2 प्लस T2 इक्वल टू 3, T2 आ जाएगा 1 सेकेंड, तो T1 आ जाएगा 2 सेकेंड्स। ठीक सर, थोड़ा सा जूम कर दो, इधर को नहीं सर, थोड़ा नीचे नीचे को नीचे। नीचे ठीक है, यस सर, यस ठीक। आगे का सॉल्व कर लोगे?
करें आगे टोटल डिस्टेंस कवर बताना था. फर्स्ट केस में S1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ut प्लस r फिट स्क्वायर इनटू 2 इनटू टाइम 2 सेकंड्स है मीटर स्क्वायर 4 मीटर्स आ गया. और S2 निकालोगे ये फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है v इक्वल टू 0 प्लस 2 इनटू 2 4 मीटर पर सेकंड. ये सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी तो 4 इनटू 1 प्लस हाफ a t स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2 मीटर्स. तो ये 4 और ये 2 ऐड कर लो 6 मीटर्स आंसर हो जाएगा. Next. पहले 15 में कोई डाउट है किसी का? नहीं. पहले 20 में? 15th? 15th पढ़ लो जी. इनिशियल वेलोसिटी u है देखो इनिशियल वेलोसिटी u से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है. यहां पहुंचा उन्होंने बोला टाइम t 1 सेकंड से तो दोबारा यहां कब आएगा ये बता. ठीक है क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी. क्वेश्चन में तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है. हाँ? नहीं. अगर कंफ्यूजन नहीं है तो एक चीज याद रखना नेचर में हमेशा सिमेट्री होती है. ऊपर फेंका जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा. ठीक है तो जो टोटल जर्नी है अगर हम उसके दो हिस्से बना लें जितना यहां से यहां को लगा उतना यहां से नीचे आने को लगा. और हम ये भी बोल सकते हैं जितना यहां से यहां लगेगा उतना यहां से यहां लगेगा. ठीक है अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए हमें बताना है कि यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा. ठीक है तो अगर एक साइड का निकाल लो उसे डबल कर दोगे तो टोटल ये वाला टाइम आ जाएगा. ठीक है अब ये इनिशियल वेलोसिटी है यहां टॉप पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है. ठीक है तो अगर यहां एक साइड का टाइम है टी हाफ सपोज कर लेते हैं टाइम तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी में फाइनल वेलोसिटी जीरो u माइनस जी इंटू टी हाफ लिखे तो टी हाफ आ गया u बाय जी. ठीक है तो टोटल टाइम इससे डबल होगा 2u बाय जी होगा. राइट ठीक है अब
पूरे टाइम में से अगर हम ये टाइम माइनस कर दें तो यहां से जाके यहां तक आने का टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो टोटल टाइम में ये रहा, उसमें से ये टाइम माइनस करना है जो कि इसके बराबर होगा, ठीक है। तो टाइम जो हमें रिक्वायर्ड है दैट विल बी टोटल टाइम माइनस टी वन। तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी 2u/g माइनस टी वन। उन्होंने क्या पूछा था? टाइम आफ्टर विच बॉडी पासेस थ्रू सेम पॉइंट ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था इसमें। सेकंड ऑप्शन दिया आंसर, हाँ ब्रैकेट गलत लगाई हुई, ब्रैकेट नहीं देनी चाहिए इसमें। देख बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, उन्होंने कहा टाइम आफ्टर विच बॉडी पासेस थ्रू सेम पॉइंट ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी इज, अब वो टाइम अगर यहां से शुरू हो रहा है तो ये आंसर आएगा, अगर यहां से शुरू हो रहा है तो जो तू कह रही हो ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए हमें इक्वल टू जीरो से ही करना पड़ेगा। अगर वो पूछते आफ्टर क्रॉसिंग अब कितनी देर बाद वापस आएगा फिर हम वो मेथड लगाते जो तू बता रही, पर ऐसा उन्होंने कहा नहीं हुआ। हाँ जी अप टू 20 को डाउट, ठीक है रिवर्स गियर लगा लिया है तुम लोगों ने। 13 क्वेश्चन है। देखते हैं नहीं, मुझे लगता है कुछ इसमें गलत है पर हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है 180 माइनस क्या है 16x स्क्वेयरिंग कर देते हैं। देखो हो गया, काफी मुश्किल था। हाँ जी अप टू 20 एनी डाउट?
16th, अच्छा steamer takes 12 hours to reach from point x to y every day or one ये भी किसी ने नहीं किया क्या ठीक है ना 23 ही आएगा किसका है वो तो बता इनको कैसे आ रहा एक्स से वाई से जाना है हर रोज एक स्टीमर शुरू होता है और एक स्टीमर को पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं ठीक है अब स्टीमर आ जा रहे हैं हर रोज आते हैं आज कितनी रेट है 23 तो 23rd जून को स्टीमर 1 यहां से चला ठीक है इससे पहले भी हर रोज स्टीमर आते थे ठीक है और 23rd को इधर से जो स्टीमर चला उसको हम ए सपोज कर रहे थे ठीक है जब ये यहां पहुंच रहा है 23rd को इससे 12 दिन पहले जो स्टीमर वहां से चला था वो यहां पहुंच रहा होगा ठीक है तो मैं A1 कर देता हूं A1 स्टीमर उस टाइम यहां पहुंच रहा है जब ये वाला स्टार्ट हुआ है ठीक है तो ये इसे मिलेगा राइट अब ये कब चला था 12 दिन पहले यानी क्या डेट रही होगी 12 जून अब 12 से लेके 23rd जून के बीच में 12 स्टीमर चले थे 12 दिन तो 12 स्टीमर चले वो 12 अभी रास्ते में है ठीक है अब ये तो पक्का है कि अगर 23 जून के बाद वहां से कोई भी नहीं चलता तो ये 12 स्टीमर तो इसको मिलेंगे ही मिलेंगे वो तो ऑलरेडी चल चुके हैं एग्री अब 12 दिन इसको जाने में लगने हैं तो 12 स्टीमर और वहां से चलेंगे तो टोटल 24 हो गए ठीक है इनमें से एक है जो इसको वहां एंटर करते टाइम मिल रहा है तो खुले समुद्र में एक कम 24 में से एक कम तो 23 है जो उसको ओपन वाटर में मिल रहा है बस हाँ जी अप टू 20 का डाउट अरे बोलो भाई कोई नहीं हाँ ट्वेंटीएथ पी एंड क्यू लेट्स 6 मीटर क्लोजर लेट्स सेकंड क्वेश्चन समझ आया पी और क्यू दो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर तो वो आमने सामने से आ रहे हैं तो एक सेकंड में 6 मीटर पास आ रहा है राइट और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक सेकंड में 2.4 मीटर एक दूसरे के पास आ रहा है सिचुएशन समझ आई है
अब इसको आप क्या बोल सकते हो कि जब उल्टे आ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकंड है, ऐसे बोल सकते हो। हाँ जी, इतना समझ आ गया। हम उनको वेलोसिटीज जो उनकी है एक्स और वाई अगर सपोज कर ले तो जब एक दूसरे की डायरेक्शन में जाएंगे तो वी रिलेटिव टू बी एक्स प्लस वाई, ये उन्होंने दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब v रिलेटिव होगा x माइनस y, ये 2.4 दिया है, x और y पूछे निकालो। उल्टे क्यों करते हो तुम? नाइनटींथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लें सारे। मीटर दूर बस है जिसे पकड़ लेंगे। कौन एक्सेलरेट हो रहा है? मैन एक्सेलरेट हो रहा है कि बस एक्सेलरेट हो रही है? बस। किस रेट पे? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है क्यूज। ठीक है, जहां पर ये बस को पकड़ लेगा वो डिस्टेंस हमें पता नहीं कितना है तो हम उसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब बस ने जो एक्स मीटर कवर किए यूटी हाफ ए टी स्क्वायर, तो x आ गया t square by 2। ठीक है, अच्छा जो आदमी है उसको बस के बराबर डिस्टेंस कवर करना है ज्यादा कवर करना है? कितना ज्यादा है? 50 मीटर। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है x प्लस 50 और कांस्टेंट स्पीड पे किया तो स्पीड इनटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एक्स है टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, हो सकता है सॉल्व।
प्रश्न नंबर कितना था 19 देखो जी क्वाड्रेटिक बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2ut देखो यहां पर t भी अननोन है और u भी अननोन है दो अननोन हो गए सॉल्व हो सकता है क्या अच्छा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं ठीक है अगर तो मान लो बहुत हाई स्पीड पे भाग रहा हो सब वो 100 मीटर पर सेकंड पे भाग रहा हो और ये भागता रहे तो बस से आगे निकल जाएगा दैट मींस अगर हाई स्पीड पे चलेगा तो बस को ओवरटेक कर लेगा तो एक बार बस के बराबर पहुंचेगा लेकिन बस से आगे निकल जाएगा फिर बस इसके बराबर पहुंचेगी तो दो चांसेस होंगे तब इसको बस पे चढ़ाने के अगर दो रूट्स आते हैं लेकिन अगर एक ही रूट आता है दैट मींस वो मिनिमम वेलोसिटी जिस पे उसको भागना पड़ेगा अब सिंगल रूट कब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंगल आंसर कब आता है बोल भाई हाँ तो इतनी धीरे क्यों बोल रहे जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसे जीरो पुट करो बी स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 100 इक्वल टू जीरो तो 4u स्क्वायर इक्वल टू 400 u इक्वल टू 10 हो गया नेक्स्ट बोलिए जी कौन अप टू 25 कोई डाउट थर्ड विच रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो चार इक्वेशंस हैं x और t वेरिएबल्स हैं t और v कांस्टेंट्स ठीक है अब हमने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है ठीक है तुम ये जानते हो इन इक्वेशंस को कहां कहां लगा सकते हो कहां नहीं लगा सकते इक्वेशंस सिर्फ तब लग सकती हैं
अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो इक्वेशंस नहीं लग सकते, ठीक है। दूसरी चीज, एक और कंडीशन है जो कम यूज होती है लेकिन फिर भी कंडीशन है, लोगों ने आइंस्टाइन थ्योरी के बारे में सुना है, रिलेटिविटी वाली के, आइंस्टाइन का नाम तो सुना होगा, कौन था, दूध बेचने वाला, साइंस टाइप, किस लिए फेमस है वो, रिलेटिविटी वाली, उसने वो थ्योरम निकाली थी, हाँ, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके कारण फेमस है, या इक्वल टू एमसी स्क्वायर के कारण फेमस है, एमसी स्क्वायर वाली, यस, हाँ, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो प्लस टू के स्कोप में नहीं आती, हायर फिजिक्स में आएगी, लेकिन तुम्हें मैं थोड़ा सा आइडिया है कैसे ले रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर हम बहुत हाई वेलोसिटी पे चलना शुरू कर दें, बहुत हाई का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की वेलोसिटी, ठीक है, तो तब कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती है। एक चीज है कि जो टाइम है वो धीमा चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कि मास बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और तीसरा है कि लेंथ कम होनी शुरू हो जाती है। तीन उसके पोस्टुलेट हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसलिए वो वाली वेलोसिटीज जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है उन्हें कहा जाता है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज, ठीक है। जब उतनी हाई वेलोसिटी होती है तब भी इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करते, तो दो कंडीशन होगी, या तो वेलोसिटी शुड बी रिलेटिविस्टिक व्हिच इज वेरी हाई, और इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म देन वी कैन नॉट यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, बाकी हर केस में लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो तुम्हें चार ऑप्शन दिए एक्स और टी को रिलेट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन है जो एक्स और टी को रिलेट करे हो तो यही है, ठीक है। तो दैट मींस एक्स या एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो जो इसको सेटिस्फाई कर रही है चारों में से वो ठीक है, बाकी गलत, चेक करिए। देखो चेक करके चारों में से, फर्स्ट वाली में x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t आएगा, अगर स्क्वायरिंग करोगे गलत हो जाएगा। सेकंड वाली में x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आ जाएगा, वो भी गलत होगा। तीसरी वाली में t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x आ रहा, वो ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, बेटा यूटी जो है हम तो टाइम पे डिपेंडेंस देख रहे हैं कि क्या है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, या इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना भी हो तो भी सेकंड डिग्री रिलेशन आ रहा है ना, तो सेकंड डिग्री रिलेशन जो होगा वो करेक्ट होगा, बाकी गलत हो जाएगा। देख लो चारों से, अब बोलिए 20, फिर रिवर्स गियर, ट्वेंटी फर्स्ट देखो जी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज u एंड एक्सेलरेशन f इज गिवन 80, देन फाइनल वेलोसिटी v इज, यहां पे गीतांश 21st क्वेश्चन पढ़ लिया फटाफट,
ओके सर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज u एंड एक्सेलरेशन t इज गिवन एक्सेलरेशन f इज f गिवन एट देन फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at स्क्वायर। बस ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? नो सर। उन्होंने जो जिसे तूने एट पढ़ा है वो एट नहीं है, वो a इनटू t है। ओके, वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन है a इनटू t, यहाँ पे a कोई कांस्टेंट है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अब इस एक्सप्रेशन को देखो तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यूनिफॉर्म नहीं है जी, टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम तो बढ़ता रहेगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होती जाएगी। ओके ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो इसे हम लिख देते हैं, ऐसे लिख लें, दोनों तरफ इंटेग्रेबल फॉर्म आ गई, इधर v वेरिएबल है इधर t वेरिएबल है, इंटेग्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इंटेग्रेशन करते रहा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv ठीक है, उन्होंने कहा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, u है, दैट मींस जब टाइम जीरो है, लिमिट्स डाल सकते हैं, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी u है, और टाइम t पे बताना है वेलोसिटी कितनी होगी, उसे हमने सपोज डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई? लिमिट्स क्या है? जीरो से लेके बी तक, और ए कांस्टेंट था, टी का इंटीग्रेशन करना क्या आएगा? बोलो, टी की पावर वन है, क्या करोगे? हाँ, टी स्क्वायर बाय टू, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमारे पास आया t square by 2, limits है 0 से t तक, ठीक है। तो upper limit minus lower limit equal to upper limit minus lower limit, so v equal to u plus a t square by 2, ये आ गया expression। हाँ जी, अब तू 25 को डाउट है, अब तू 30 नहीं, अब तू 35, 31,
देखो ये 31st क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया है तो किसका डाउट है 31 प्रभजोत का प्रभजोत ये ना इतना आसान है तेरे से अभी सॉल्व हो जाएगा खड़ी हो जरा क्वेश्चन देख लिया तूने ध्यान से पेन को छोड़ दे सिर्फ पढ़ ले क्वेश्चन इतने से सॉल्व करते हैं अब मुझे ये बता रख दे उसको अब पेपर छोड़ दे ओरली क्वेश्चन तूने बैठना नहीं है एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं ठीक है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ठीक है अब ये बता जब वो गिर रहा है तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ठीक हो गया 20 मीटर गिर जाएगा ठीक है हमने एच हाइट से छोड़ा 20 मीटर गिरा हमने उसको पकड़ लिया रोक लिया हमने ठीक है अब फिर छोड़ लिया फिर छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है अब फिर से 2 सेकंड में कितना कवर करेगा 20 तो टोटल कितना कवर कर लिया उसने आंसर क्या होगा एच माइनस 14 हो गया बैठो हाँ जी सबको 35 कोई डाउट नहीं अब तो 40 सर 37 37 देखो जी 37 ये देखो भी 37 देखो ट्राई करके इसमें दिमाग यूज होना अच्छी तरह से ये डिस्टेंस कवर किया T1 में ये T2 में ये T3 में यहाँ की एवरेज वेलोसिटी V1 एवरेज वेलोसिटी V2 एवरेज वेलोसिटी V3 बताना है V1 माइनस V2 ओवर V2 माइनस V3 ये कितना आएगा ये निकाल देखो जरा ट्राई करें
आपको मिल गई मुझे क्वेश्चन क्लियर है सबको तुम्हें एक चीज बताई गई है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ऐसा करते हैं ना यहां जहां से मोशन शुरू हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू सपोज कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर ये वेलोसिटी कितनी होगी अगर फर्स्ट इक्वेशन लगा लें v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो यू प्लस ए टी वन हो जाएगी और अगर यहां की वेलोसिटी निकालोगे प्लस ए टी वन प्लस टी टू हो जाएगी और यहां की वेलोसिटी यू प्लस ए टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री हो जाएगी अब तुम्हें देखो क्वेश्चन में चाहिए क्या वी वन माइनस वी टू और वी टू माइनस वी थ्री ये दो चीजें चाहिए ठीक है ये कैसे लेके आओगे हमेशा ये सोचा करो क्वेश्चन में क्या पूछा वो कैसे आ सकता है अब एक बार यहां तक आप पहुंच गए हमने फॉर्मूला किया था कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो एवरेज वेलोसिटी होती है यू प्लस वी बाई टू याद है तो यहां अगर वी वन निकालोगे एवरेज वेलोसिटी है तो हो जाएगी u प्लस ए टी वन बाई टू ये स्टेप समझ आया तो ये हो जाएगी u प्लस ए टी वन बाई टू ठीक है ऐसे ही जब v2 निकालोगे तो u plus a t1 plus t2 whole divided by 2 u plus 2 आ गया और v3 निकालोगे तो u plus a t1 plus t2 plus t3 whole by 2 u plus a t1 plus t2 plus t3 by 2 ठीक है जी अब आपको चाहिए था v1 minus v2 तो v1 minus v2 निकाल सकते हैं ऐसे ही तो minus v3 चाहिए था तो वो भी निकाल सकते हैं
एक मिनट रुकना, एक मिनट, इसमें मैंने गलती करी है। देखो जब V2 निकालना है तो इन दोनों का सम लेना, इन दोनों की एवरेज लेनी है। तो यहां पर U प्लस A प्लस U प्लस, ऐसे करो, दोबारा लिख देता हूं मैं इसे। निकालेंगे डालो और निकालो, क्या आता है आंसर। हो गया, नेक्स्ट कौन सा डाउट है। अप टू 40 कोई है? नहीं, अप टू 45। Okay, हो गई असाइनमेंट फिर तो सारी। हाँ जी अक्षय, इंसर्शन और रीजन के तो स्टैंडर्ड ऑप्शंस होते हैं अगर दोनों करेक्ट हैं और द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंसर्शन, तो ए ऑप्शन है। अगर दोनों करेक्ट तो है लेकिन वो एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है उसका, तो बी ऑप्शन है। अगर दोनों में से एक ठीक और एक गलत है तो सी ऑप्शन है। अगर दोनों ही गलत है तो डी ऑप्शन है। इसमें ई ऑप्शन भी होती है वैसे तो,
अगर ए ठीक है और आर गलत है तो सी, आर ठीक है ए गलत है तो डी, और अगर दोनों गलत हैं तो ई, ऐसी भी होती है। हाँ जी ये सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर, करो फिर फटाफट, मैं सॉल्व करूं, कर दो लंगर लगाया। और वी वन माइनस वी टू, जब दिस माइनस दिस करोगे तो यू से यू कट जाएगा, खत्म हो गया, ए टी वन बाई टू माइनस ए टी वन, क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस एटी वन बाई टू माइनस एटी टू बाई टू, ये आएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब वी टू माइनस वी थ्री निकालो, दिस माइनस दिस, तो यू माइनस यू कट गया, एटी वन माइनस एटी वन कट गया, ये आएगा माइनस एटी टू अपॉन टू माइनस ए टी थ्री अपॉन टू, ठीक है। अब इन्हें अगर डिवाइड कर दें तो माइनस का साइन कॉमन है वो हट जाएगा, अपॉन टू जो है वो भी खत्म हो जाएगा, ए कॉमन है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो वी वन माइनस वी टू ओवर वी टू माइनस वी थ्री विल बी पी वन प्लस टी टू ओवर पी टू प्लस टी थ्री। ऑप्शन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, लास्ट ऑप्शन है तो सही। अच्छा दोनों सेम है, टी टू प्लस टी थ्री कर दो उसे, कैसा लगा लंगर, हाँ जी डाउट्स ओवर, ठीक है सर इतना ही करते हैं, सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो सर, वो जो आइंस्टाइन वाले में जो E is equal to mc square था, c का मतलब क्या था सर? c स्पीड ऑफ लाइट होता है सर, क्या स्पीड ऑफ लाइट, ओके जो इक्वल टू एम सी स्क्वायर है वो एनर्जी और मास का रिलेशन है, तुम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हो एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, पर एक्चुअली में जो ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि एनर्जी को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, कि जब मास डिस्ट्रॉय होता है तो एनर्जी क्रिएट होती है, मास क्रिएट होता है तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू सर, ओके।
Yes, he attached a computer. Say he attached a. अच्छा computer ये पढ़ा है. But मेरे बिना laptop के कैसे attach था zoom होगा. अच्छा एक ये बताओ. ये zoom का जो ये hardware है, इसका क्या काम है? क्योंकि मैं तो हम जब meeting करते हैं तो मैं तो laptop से ही करता हूँ zoom meeting. इससे भी कर सकते हैं sir. नहीं मैं इसमें इसकी क्या extra क्या utility है? Sir sorry. ये सही बताइए भी क्या इसका या तो सही कैमरे का कुछ ना कुछ तो होगा तो सही क्योंकि कैमरा भी मेरे ख्याल से 1.5 लाख का है. अच्छा मेरा ख्याल है सर थोड़ा बताइए कुछ चलो ये कम कैमरा और ये कैमरा ऑलमोस्ट सेम है कीमत में तकरीबन सर शायद मतलब मुझे ऐसा नहीं मतलब कुछ तो ये जो है